बिल्कुल व्यूवर्स, क्या चल रहा है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप सऊदी अरेबिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी 1 साल का। इसका जो तरीकाकार है बहुत ही आसान है, आपको कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो वीज़ा है पहले से थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, पहले थोड़ा सा सस्ता था वीज़ा, आप लगवा कर आसानी से कम पैसों पर जा सकते थे। लेकिन जब ये जो फज के बाद दोबारा ओपन हुआ है तो फिर ना इसका जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, तो इसके जो फीस है वो ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप ये वीज़ा ले लेते हैं तो 1 साल का आपका विजिट आपके पास प्रॉपर मिल जाता है आपको, तो आप आसानी से 1 साल तक उधर सऊदी अरेबिया में रह सकते हो। विज़िट करना चाहते हो तो विज़िट कर सकते हो, जो जो कोई वैसे काम करना चाहता है तो उस पर काम भी कर सकता है, लेकिन काम ऐसे नहीं कर सकता कि जैसे दूसरे लोग जाते हैं वर्क वीज़ा पर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ तो आपको काम की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास काम नहीं होता। और इस विज़िट वीज़ा पर आपको काम नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको सिर्फ विज़िट वीज़ा ही मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो भाई, जो 1 साल का विज़िट है, आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी लंबी चौड़ी दरकार नहीं है। आपने जस्ट अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी और वाइट बैकग्राउंड के साथ दो अदद फोटो चाहिए आपको, और ये आपने अपने ये आप अप्लाई कर सकते हैं इन 3 डॉक्यूमेंट की बेस पर। और इसका जो दूसरा है, आप पे फिंगरप्रिंट हो, जो आपके तुम्हारा सेंट फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और उसके बाद आपका वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है और ये इसका तरीकाकार है। आपके जो फिंगरप्रिंट है वो इतमान सेंटर इस्लामाबाद में होके, ठीक है, वो आपके हम खुद करवा सकते हैं। और उसके बाद जो आपका वीज़ा है वो तकरीबन 20 दिन में 25 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये इसकी जो वीज़ा का तरीकाकार है बहुत ही आसान है। अगर आप 1 साल का वीज़ा ले लेते होते हैं, एक और कंडीशन है कि आपने 3 बार इन आउट होना होता है, ठीक है, आपको 1 साल का विजिट वीज़ा मिल जाता है, आप वहाँ पर चले जाते हो सऊदी अरेबिया, तो 3 माह बाद इन आउट होना है, ठीक है, जब आपके 3 माह मुकम्मल होने वाले मस्त तो आप इन आउट हो जाए। तो ये इसका तरीका है। अगर इन आउट नहीं होते हैं तो फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आपका वीज़ा वहीं रिजेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली इन आउट नहीं हुआ। तो ये लाजमी है आपने इन आउट होना है, उसके बाद आप फिर वहाँ पर सऊदी अरेबिया ही रह सकते हो। तो ये इसकी आज की इन्फॉर्मेशन थी, इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह।